पार्ट फोर राहुल की कहानी में अब तक आपने जाना कि राहुल की क्लास टीचर को चिंता होने लगी कि क्या होगा अगर राहुल के बारे में प्रिंसिपल को पता चलेगा। प्रिंसिपल सर क्लास में आ जाते हैं और सामने खड़े राहुल की तरफ देखकर शालिनी मैम से पूछते हैं कि आपने इस बच्चे को अपने पास क्यों खड़ा कर रखा है। तो राहुल की टीचर कहती है कि सर वो मैं इस नए बच्चे का इंट्रोडक्शन करवा रही थी बाकी सभी बच्चों से। तभी पीछे से धीरज ने रोते हुए प्रिंसिपल को बोला, सर राहुल ने मेरे सिर पर डस्ट फेंका लेकिन यह बात बाकी बच्चे कैसे मानते। तो उन्होंने राहुल का पक्ष लेते हुए धीरज के ऊपर चिल्लाने लगे और उनमें से एक बच्चा बोला कि सर राहुल तो मैम के साथ हमारे सामने खड़ा था, वो कैसे डस्ट मार सकता है धीरज को। यह बात थोड़ी अजीब प्रिंसिपल जी को भी लगी कि राहुल कैसे डस्ट मार सकता है, और उन्होंने सभी बच्चों को वापस अपनी अपनी सीट पर बैठा दिया और राहुल को अपने साथ लेकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। क्या सवाल करने वाले हैं प्रिंसिपल सर राहुल से? क्या वो पता लगा पाएंगे कि ये सब राहुल ने ही किया है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए इनक्रेडिबल स्टोरीज पर राहुल की कहानी।